आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी रेमेडी जो बच्चे बूढ़े बड़े सभी खा सकते हैं। ये पुरानी से पुरानी खांसी को भी जड़ से खत्म कर देता है। बदल से मौसम में बच्चों को जुखाम खांसी लगा ही रहता है, तो आप बच्चों के लिए इसे जरूर ट्राई करें। और ये बलगम जुखाम सर्दी खांसी सभी को दूर करता है। इस आयुर्वेदिक नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वीडियो को आप पूरा एक बार ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए अब चलते हैं हम बनाने की तरफ। देसी दवाई को बनाने के लिए यहाँ लेंगे हम सबसे पहले अदरक। अदरक को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसको हम छील लेंगे। अब अदरक को अच्छे से छील लिया है, अब इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये हमने सारे अदरक को काट लिया है। काटने से ये होगा कि हमें पीसने में आसानी होगी। तो यहाँ लेंगे हम एक ग्राइंडिंग जार, इसमें सारे अदरक को डाल देंगे। इसमें डालेंगे 15 से 20 तुलसी के पत्ते और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। ये हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है। अब यहाँ लेंगे एक कटोरी, इसमें रखेंगे हम छल्ली और जो हमने अदरक और तुलसी पीसा था इसमें डाल देंगे और इसका रस निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें रस निकाल लेना है। जितना हो सके आप इसे दबाकर रस निकाल लीजिए। ये हमने सारे रस को निकाल लिया है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब रखेंगे हम गैस पे एक पैन, इसमें अब तुलसी जो अदरक का हमने रस निकाला था वो डाल देंगे। इसको हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए गर्म होने तक पकाएंगे। ये गर्म हो चुका है, गैस हम बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम शहद, तो शहद यहाँ पे मैं 4 चम्मच डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको मैं फिर से गैस पर रखूंगी और अच्छे से चलाते हुए पका लूंगी। अब इसमें डालेंगे हम काला नमक। काला नमक बलगम निकालने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये लीजिए, हमारी देसी दवा बनके तैयार है। आप इसे कफ सिरप भी कह सकते हो। बच्चे बूढ़े बड़े सभी की खांसी को ये छूमंतर करेगा। हर प्रकार की खांसी, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और सुरसुरी वाली खांसी, लगातार खांसी और पुरानी खांसी सभी को जड़ से ख़त्म करता है।